हेलो नमस्ते दोस्तों, आज फिर से सरोज शर्मा किचन में आपका स्वागत है। आज आपको हम बहुत ही सिंपल तरीके से हरे प्याज के पराठे कैसे बनाए जाते हैं उसकी विधि बताते हैं। और हरे प्याज के पराठे बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होते हैं और बहुत ही ज़्यादा खाने में स्वादिष्ट लगेंगे। और बनाने से पहले जिन्होंने भी हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहेंगी। तो हम हरे प्याज के पराठा बनाने स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने आधा किलो हरे प्याज लिए हैं, अब इसको हमें बिल्कुल बारीक काटना है। तो सबसे पहले इनको हम काटेंगे। मैंने धो के अच्छे से बिल्कुल साफ कर लिया है, तो अब इसको हम काटेंगे। और बारीक काटना है हमें, मोटा साइज का नहीं काटना है। तो यह हमारे हरे प्याज बिल्कुल बारीक, मैंने देख सकते हैं बिल्कुल बारीक टुकड़े इनके काट लिए हैं। अब हम आटा लेते हैं। तो ये मैंने आटा लिया है, आटा अपने अनुसार जितनी आपके घर में मेंबर हो उस हिसाब से आप आटा ले सकते हैं। तो अब इसमें जो मैंने हरे प्याज बारीक काटे थे वो डालते हैं। और इसमें हम मसाला भी डालेंगे। तो अब इसमें मसाला डालते हैं। ये मैंने बारीक हरी मिर्ची काट रखी है और ये मैंने अदरक भी बारीक पीस रखा है और ये लहसुन है, लहसुन को मैंने बारीक पीस रखा है। तो हम सभी को डालते हैं। और ये मैंने धनिया भी काट रखा है, सूखा मसाला ऐड करते हैं। एक चम्मच अमचूर पाउडर डालते हैं। आधी चम्मच अजवाइन डालते हैं, अजवाइन क्योंकि हमारे जो पराठे हैं उससे इनका जो फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है इससे। और अजवाइन वैसे भी बहुत ही ज़्यादा फायदा करती है पेट के लिए। ये मैं आधे चम्मच जीरा डालते हैं। और ये मैंने दरदरी लाल मिर्च को कूट रखी है तो ये भी डालते हैं, इससे भी हमारे जो पराठे का टेस्ट है बहुत ही अच्छा लगता है। ये थोड़ी तीखी वाली है। आधी चम्मच गरम मसाला डालेंगे। आधी चम्मच धनिया पाउडर डालते हैं। आधी से कम चम्मच हल्दी भी डालते हैं, इससे भी हमारे पराठे का कलर बहुत प्यारा लगेगा। और नमक अपना स्वाद अनुसार ले सकते हैं, तो मैंने एक चम्मच नमक लिया है। नमक अपने टेस्ट के अनुसार आप डाल सकते हैं। तो ये मैंने इसमें पूरा मसाला ऐड कर दिया है। अब इसके नीचे हम एक कपड़ा रखेंगे ताकि हमारा जो आटा लगाने में दिक्कत नहीं हो, आसानी से लग सके। अब इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम एक चम्मच घी भी ऐड करेंगे, घी से हमारे जो पराठे बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। आप ऑयल भी डाल सकते हैं। घी को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम आटा लगाना स्टार्ट करते हैं। अब इसमें पानी डालते हैं। पानी हमें एक साथ भी नहीं डालना है। तो ये पराठे खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। तो सर्दियों में अरे पाए जो हरे प्याज के पराठे होते हैं वैसे बहुत ही ज्यादा पौष्टिक होते हैं, तो आप जरूर एक बार सर्दियों में बना के ट्राई कीजिए। थोड़े अलग रहेंगे टेस्ट भी इसका, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। प्याज के पराठे तो वैसे भी बहुत ही अच्छे लगते हैं और मैं जो भी मेरी रेसिपीज होती हैं बिल्कुल सिंपल तरीके की होती हैं, उसे घर में बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। आप आसानी से नहीं बना सकती तो आप भी बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। और आटा हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो ये हमारा आटा अच्छे से लग चुका है, ज़्यादा हमें इसको टाइट भी नहीं रखना है और ज़्यादा हमें इसको सॉफ्ट भी नहीं रखना है, मीडियम साइज का हमें आटा रखना है। तो अब हम तवा लेते हैं। ये मैंने तवा लिया है, तवा तब तक हमारा गर्म होता है, गैस मैंने ऑन कर दिया, तब तक हम पराठा बेलना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोई तोड़ेंगे। ये मैंने लोई ली है, लोई आप जितने आप साइज का पराठा बनाना चाहते हैं उस साइज का आप बना सकते हैं। मैंने इस साइज का पराठा हम बनाएंगे, तो इसमें थोड़ा हम आटा लगाएंगे।
और इसको गोल शेप में लंबा, इस पे थोड़ा हम ऑयल लगाएंगे बीच में, आप घी का भी यूज कर सकते हैं, और इस तरीके से फोल्ड भी करेंगे। फिर से इसको फोल्ड करना है, फिर से आटा लगाएंगे, शेप देना चाहे वो शेप में आप पराठे बना सकते हैं, ताकि दिखने में भी थोड़े दिखे पराठे हमारे। तो हमारा पराठा तैयार है और तवा भी हमारा गर्म हो चुका है, तो हम तवे पे डालते हैं पराठे को, और गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, ज्यादा नहीं रखेंगे नहीं तो हमारा पराठा जल सकता है। तब तक हमारा ये वाला पराठा सिकता है, हम दूसरा वाला रेडी कर लेते हैं। ये पराठा एक साइड से हमारा सिक चुका है, देख सकते हैं, इसमें हम ऑयल लगाएंगे। हमारा पराठा कितना प्यारा दिख रहा है, अब इसको दूसरी साइड से पलटते हैं, तो देख सकते हैं हमारा पराठे का कलर कितना प्यारा दिख रहा है, कितना अच्छा लग रहा है हमारा ये पराठा। हमारा पराठा इस साइड से सिक चुका है, इस साइड से भी देख सकते हैं अच्छे से सिक चुका है। ये पराठा हमारा दोनों साइड से देख सकते हैं बिल्कुल क्रिस्पी अच्छे से सिक चुका है। अब इसको हम निकालते हैं, जो दूसरा वाला पराठा मैंने गोल टाइप का बनाया है, तो देख सकते हैं ये भी कितना प्यारा दिख रहा है। आप जो चाहे वो साइज आप दे सकते हैं, चौकोर में बना सकते हैं, और सभी को हम ऐसे ही बनाएंगे। तो हमारा गोल टाइप का पराठा है, तो देख सकते हैं कितना प्यारा दिख रहा है, देख सकते हैं आप कितना अच्छा दिख रहा है। तो ये हम चार कूट का बनाए, चौकोर बनाए, तो देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। इसको पलटते हैं और इस पे हम थोड़ा ऑयल लगाएं, साइड से भी लगाएंगे, और इसी तरीके से हम सभी पराठे बनाएंगे। तो ये हमारे पराठे तैयार है, देख सकते हैं कितने प्यारे दिख रहे हैं। और आप चटनी के साथ में, हरी टमाटर की चटनी के साथ में, लाल टमाटर की चटनी के साथ में, या मिर्ची की, हरी मिर्ची की चटनी के साथ में खाएंगे, तो ये पराठे और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। तो दोस्तों, ये पराठे अगर अच्छे लगे तो लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।